टीएमसी सांसद ने विजय वर्गीय को कहा अग्निपथ का विलेन। शिवसेना सांसद ने किया बड़ा दावा। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निवीरों को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद से राजनीतिक पारा हाई है। सभी राजनीतिक दलों ने उनके बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी नाराजगी जताई। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ऑफिस में कहा था, मुझे अगर बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट करके लिखा, बीजेपी के महासचिव, अगर मुझे बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो मैं अग्निवीरों को चुनूंगा। हाँ, अगर भारत को अग्निपथ का विलेन चुनना होगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपको चुनेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद सियासी पारा गर्म हो गया। सभी विपक्षी दलों ने ट्विटर के माध्यम से बीजेपी महासचिव पर निशाना साधा है। कांग्रेस की ओर से भी इस बयान पर टिप्पणी कर आपत्ति जताई गई। शिवसेना सांसद संजय राउत और बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर आलोचना की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करके लिखा, अगर युवा शिवसेना में शामिल होते हैं तो उनके पास अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने की तुलना में 4 साल में बेहतर संभावनाएं हैं। पिछले चुनाव में वे 4 साल की ट्रेनिंग बिना चौकीदार थे, इस बार वे 4 साल की प्रशिक्षण के साथ चौकीदार हैं। यूथ इज एंग्री, जय हिंद। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करके लिखा, जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का नहीं होता, उसे देने वाले को ही मुबारक। भारतीय सेना माँ भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक नौकरी नहीं।